हेलो जी, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने चेक किया था कि 70% ऑफ व्यूअर्स जो भी वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो अगर आप कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इट्स लाइक अ मॉरल सपोर्ट टू एनी यू नो यूट्यूबर। बेसिकली मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट वीडियो थोड़ी बहुत बनाता हूँ रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा। हमारा काम है कंसल्टेंसी है एंड बट सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो अलग इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का भी मन करता है कि हाँ लोग देख रहे हैं। तो अगर सही लगे तो यू नो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेगा चैनल को। एंड मैं आपके साथ एक चीज़ देखो, हम ना कंसल्टेंट के पास ना, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा या फिर आइडिया होगा, कहीं को नहीं होगा कि ना एक प्लस पॉइंट होता है कि हम काफ़ी देर से एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को, एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं। मेरा थोड़ा बहुत जैसे 13,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स भी हैं और कुछ इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स हैं नेटू 4K, तो काफ़ी लोग मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, बात करते रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। तो उसमें से आपको साथ में कुछ शेयर करना चाहता था कि एग्ज़ाम्पल है, एक रफ आइडिया है कि 2018 तक ना, अगर कोई फेक डिप्लोमा या डिग्री बनाता था तो मान लीजिए 100 फाइलें लगी हैं, तो 100 में से ना 5 या 2 या 4 पकड़ी जाती थी, बाकी सारी चल जाती थी, ठीक है ना, बाकी बच्चे चले जाते थे। 19 में ये रेशियो थोड़ी कम हो गई, लाइक बढ़ गई कि 100 में से मान लो कि 40 फाइलें या 30 फाइलें पकड़े जाने लग गई और बाकी निकलने लग गई। 2020 में चलो पेंडेमिक हो गया, बट आई थिंक कि जैसे सेकंड पॉइंट, जैसे तो अब जो वीज़ा आ रहे हैं जो 2 स्टेजेस में आ रहे हैं ना, तो जिनके तो पहले आ गए मान लो बिफोर द यू नो लॉकडाउन एंड एवरी थिंग, और जिनके वहाँ तब जिनके जिन पर बैन लगना था वो तो लग गया। और मुझे लगता है सो फॉर मेरा अनुमान है कि अगर वो क्रॉस चेक करते हैं चीज़ों को, सेकेंड स्टेज पर ज़्यादा रिफ्यूज़ल आएंगी अगर किसी ने फेक डिग्रियाँ कुछ भी लगाया हो। बट ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, ये मैं बैकग्राउंड देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये शुरुआत ना ऐसे ही होती है कुछ भी फेक बनाने की। आप डिग्री बना लेते हो, कोई डिप्लोमा बना लेते हो और आप किसी से बात करते हो। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि कंसल्टेंट बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमने लगाई हैं, हमारे फाइल बच्चे अप्रूव हुए हैं, आपको अप्रूवल दिखा दिया है, बट आपको कोई रिजेक्शन या फिर बैन, रिजेक्शन नहीं होता या फिर सीधा 5 साल का बैन लगता है, जिसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों को ने खुद हामी भरी होती है लगाने में, ठीक है ना, और वो आप पर बैन लग जाता है, ठीक है ना, वैसे सीन चलता है। और ऐसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपने किसी से बात की, किसी ने आपको बोला, या फिर मोस्टली फ्रेंड ने बोल दिया, नहीं तो एजेंट ने बोल दिया, चलो हाँ इसका भी वीज़ा आया था, इसका भी आया था, चलो लगा दो। और ये चीज़ें बाय टाइम पकड़ी जाती हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं होता कि जी आप चले गए तो सभी चले जाएंगे, आपने देख लिया किसी का अप्रूव हो गया तो आपका भी हो जाएगा, आप पर कोई इशू नहीं होगा। इनको टाइम लगता है बट धीरे धीरे ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ आप कहीं भी लगा सकते हो, कुछ भी आप फेक लगा रहे हो। आज की वीडियो बनाने के जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि इट्स लाइक इट फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। जिन बच्चों का गैप होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस फोर्ज कर लेते हैं, पैसे तो अपना वो होता है, सर्टिफिकेट ही होते हैं, है ना, कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिए या फिर आपने लेटर हेड पर लिखवा लिया। बट आजकल कुछ लोग पैसे लेकर एक्सपी अपनी सैलरी स्लिप से बना के दे रहे हैं, टोटली फोर्ज होती हैं, मतलब कुछ उनका क्लू नहीं होता, या फिर थोड़ा बहुत अपने आप एक फेक सी कंपनी बना के आपसे 15,000, 20,000, 25,000 जो भी वो चार्ज करते हैं उससे ऑटिंग वो बनाने लग गए। एंड बहुत सारे लोग, ये चीज़ अब की नहीं शुरू हुई, बहुत पहले की हो रही है, ठीक है ना, और काफ़ी बच्चे जा भी चुके हैं, बट रेशो वही चल रही है कि कह लीजिए कि 100 में से 1-2 कोई पकड़ा गया, बट ये रेशो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। यू कैन नॉट आउट स्मार्ट द पीपल यू नो ओवर चेकिंग योर यू नो वीज़ा एप्लीकेशन, यू कैन नॉट आउट स्मार्ट दैम। मोस्टली ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं, कुछ भी हम चोरी करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं ना, आफ्टर अ टाइम वो पकड़े जाता है और फिर उस पर स्ट्रिक्टनेस हो जाती है और फिर चीज़ें होती नहीं है। अगर हम ये फेक फोर्ज ना करते होते ना तो शायद सिर्फ सर्टिफिकेट ही सैलरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही चल जाता, सैलरी स्लिप लगाने की जरूरत ना पड़ती। बट जैसे जैसे इन चीज़ों को आप बारे में पता लगता जाएगा, हाई कमीशन को वो देखते रहेंगे और अपने स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते रहेंगे और उसके ऊपर बैन भी लगते रहेंगे। कहना मैं सिर्फ आपको इन ये सब बातों से सिर्फ एक बात कहनी चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी हो, जैसे ये वीडियो पर्टिकुलर मैं एक्सपीरियंस को लेकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि जिन्होंने एक्सपीरियंस फोर्ज किया था या फिर करने वाले थे, और मैं परेशान हो गया था कि यार क्या कर रहे हो। देखो, अगर आपका गैप है, ठीक है ना, आप किसी को पैसे दे रहे हो 14,000, कोई 14,000 लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 20 लेता है, कल एक बच्चा है तो वो 25,000 समथिंग ले रहा था इंसान, जो उससे सर्टिफिकेट बना के देना था जिसने। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप रैदर देन पेइंग समवन एंड टेकिंग द रिस्क कि कल को आप पर बैन भी लग सकता है उस गलती की वजह से, ठीक है ना, और आप जॉब क्यों नहीं कर लेते, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। लाइक 2-3 महीने जॉब कर लो, सैलरी आपके अकाउंट में, सैलरी कम भी हो, ट्रस्ट मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं फाइलें लगाता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि सैलरी कम भी हो बट अगर आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन हो, थोड़ा बहुत रिलेटेड हो आपके प्रोफाइल के साथ, तो वो चल जाता है। सच्ची सैलरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गैप बढ़ जाएगा, मेरा इनटेक ना मिस हो जाए, तो वो एक गलत अपने दिमाग में आपने एक डेडलाइन बना लिया और उस वजह से आप गलती कर रहे हो। कोई डेडलाइन नहीं होती सक्सेसफुल होने की या फिर कुछ अचीव करने की, ना कोई डेडलाइन नहीं होती। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करो और ये गलती ना दोहराओ, क्योंकि आपको लगता है कि शायद हाँ बच्चे गए हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ गए हैं। तभी मैंने वो फेक डिग्री वाली एग्जांपल आपको पहले दी कि हाँ लोग गए हैं, लोगों ने बनवाए हैं, वो गए हैं, बट ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों आजकल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लोग कम जा रहे हैं, उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर भी ऐसे ही फेक फंड शो होने लग गए थे और ऐसे ही चार लोगों ने कहा हाँ मैं भी आया हूँ भाई, मैंने भी फेक फंड शो किए थे, मेरा तो हो गया, तू भी कर ले। ऐसे कर करके ट्रेंड बढ़ता जाता है और लोग यही चीज़ करते रहते हैं, और वे चीज़ें आफ्टर सम टाइम हाई कमीशन को, जो भी गवर्नमेंट, उनको पता लग जाती हैं और फिर वो स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं। फिर हम कह देते हैं जी यहाँ का जी वीज़ा नहीं लगता, उन्होंने वीज़ा देने बंद किए, उनका स्टूडेंट वीज़ा बंद हो गया, ये हो गया, फलाना टेम्परना, अलग अलग एग्जम्पशन बना लेते हैं, बट एक्चुअल में कभी बंद नहीं होता, वो स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं गलत चीज़ों पर। अब भी अगर आप न्यूजीलैंड चाहें, चाहे जिस भी कंट्री के बारे में आपके दिमाग में गलत फैमिली पे, वहाँ पर वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा बंद कर दिया, अगर आप जेन्युइन है, सारा कुछ आपका जेन्युइन, अभी भी आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा भी लगेगा। और स्पेसिफिकली बात यहाँ पर मैं कनाडा की करूँ, कि मोस्टली मैं कनाडा के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं करंटली, एंड बच्चे भी हमारे पास उसके आते हैं। बट अगर आप ये चीज़ कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लो, अगर आप कुछ भी फोर्ज कर रहे हो किसी को देख करके, हाँ उसने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो इट डजेंट मीन कि आपका भी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ी गलती है जो सब करते हैं, और इसी वजह से स्ट्रिक्टनेस होती है, इसी वजह से, क्योंकि आप मान लो एक बंदे ने किया, उसने दो को बताया, दो ने किया, उस दो ने चार को बताएगा, चार से पांच को बताएगा, और ऐसे सर्कल चलता रहेगा, और यही चीज़ चलती आ रही है, और आप पर कल पर इसी किनों चीज़ों की वजह से स्ट्रिक्टनेस होगी, आप पर 5 साल का बैन लगेगा। एंड मोर ओवर, एक्चुअल में बताओ बुरी बात पता है क्या यार, जो मुझे रियलाइज़ हुई आफ्टर अ टाइम, कि लोगों की ये गलतियों की वजह से ना, जो लोगों ने कुछ गलत किया भी नहीं होता ना, वो भी फंस जाते हैं। इस बिफोर द पेंडेमिक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे किस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, जो बंदे ने ना जेन्युइन डिग्री की हुई थी, वो डिग्री उसकी स्टैंडर्ड भी थी, कर भी नहीं पाया था, फिर भी उस पर 5 साल का बैन लग गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से लोग फेक अपनी डिग्री बना रहे थे। यही चीज़ आप एक्सपीरियंस पर लगा सकते हो कि आपकी कंपनी या फिर आपकी कंपनी से मिलते जुलते लोग अगर एक्सपीरियंस लगाते हो, आपने जेन्युइन भी जॉब की हो, आप उसका भी नुकसान कर रहे हो, आप अपना तो कर ही रहे हो, साथ आप किसी का उसका भी नुकसान कर रहे हो, और बिना बात की कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर रहे हो। हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, हम किसी का नुकसान तो भी ना करें। आप मान लो किसी इंसान ने पूरा जेन्युइनली सब कुछ किया हो, आप उसकी भी लाइफ ख़राब कर दोगे अपनी इन बेवकूफ़ियों के कारण, अपनी इन शॉर्टकट्स के कारण। और ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट जो भी आप करते हो ना, लॉन्ग टर्म नहीं चलते, वो ऐसे ही और ऐसे ही निकल जाएंगे। कभी भी शॉर्टकट, हम लोग, हमें लगता है कि हाँ बंदा पहुंच गया, बट आपको नहीं पता उसको आगे जाकर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो बंदा दिखाएगा नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि एकदम फेस कर लेता है, कई बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं जिसमें बच्चों के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद बैन लगा जब चीज़ें पकड़ी गई। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई थी, अगर आप चैनल मेरा देखना चाहें देख भी लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कुछ भी फेक फोर्ज ना करें। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो प्लीज़ एक्सपीरियंस फोर्ज ना करें, कोई इशू नहीं। आप किसी को पैसे देने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर काम कर लो यार, आपको पैसे मिल जाएंगे, थोड़े मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं, आपकी फाइल ख़राब नहीं होगी, आपका कोई गैप नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप जनरली जॉब करो, फिर अप्लाई करो, आपका कुछ नहीं होगा, उल्टा आपकी प्रोफाइल सिक्योर है, कल को आपको कोई टेंशन लेने की वाले की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको दिमाग में बोझ नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ना, जिन्होंने कर दिया गलती,
कुछ भी कर दिया तो फिर मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वार में जाओगे, भगवान के आगे करेंगे जी करवा दो भगवान ये कर दो, हम आगे से नहीं करेंगे। तो एक बारी सोच के देखो, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो आप टेंशन लेंगे और आप यू नो जा रहे हो मंदिरों में, जा रहे हो गुरुद्वारों में जा रहे हो कि भगवान के पास कीजिए अरदास करने के, जी हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो एक बारी अपने आप पूछ के देखो कि आपने खुद कुछ गलत किया है। आप किस मुँह से भगवान के पास जा रहे हो? चोरी चोरी है, आप चोरी करके भगवान के आगे विनती नहीं करते हो, ठीक है ना? बाकी यार जिन्होंने समझना उन्होंने समझना, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने नहीं समझना, आई नो दैट। बट जिनको थोड़ा बहुत भी इस चीज़ के ऊपर रिलाइज हुआ हो तो प्लीज़ ना करिए। अगर आपने अभी तक नहीं लगाने भी वाले थे फाइल, होल्ड कर लो, कोई इशू नहीं, जेन्यूनली सब कुछ प्रिपेयर करो फिर लगाओ। और जिन्होंने लगा दी तो प्लीज़ आगे मत किसी को बताएं। जिन्होंने लगा दिया जिनका वीज़ा भी आ चुका है तो प्लीज़ ये कॉम्प्लिकेशन आगे मत खड़ी करना, हो सकता है कि आपकी वजह से आगे किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है ना? बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ। आजकल जैसे करंटली हमारे पंजाब में कर्फ्यू चल रहा है वीकेंड का, तो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, तो लाइव होता हूँ। अगर आपने कुछ मुझसे पूछना हो लाइव सेशन में तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड सो फार वीडियो देख लीजिए अपने, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।